अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, मैं सफीर सैफी, तुसी वेखदे पे हो मेरा यूट्यूब चैनल। अज असी अपनी गंदम की फसल च मौजूद हाँ, तो माशाल्लाह तुसी गंदम की फसल मेरी वेख रहे हो। ये इस टाइम 100 दिन की फसल हो चुकी है, अज मार्च 20 है, 100 दिन की फसल हो चुकी है। तो मैं इन पानी लाया अज मैंने तकरीबन 6 दिन हो गए हैं। यह तुसी वेख सकते हो इहदे विच अजे भी जेड़ा सेजल वह मौजूद है, अजे भी जमीन जेड़ी है वह गिली है। असी इदे ते आज स्प्रे मारन लगे हाँ जी पोटाश दा। पोटाश दी अच्छी किस्म असी स्पीड फोल के यूज करन लगे हाँ जी, जी स्पीड फोल फॉयलर सर्टिफाइड सोल्यूशन, ये जी स्वात एग्रो दा जनाब पोटाश है 1 किलो, जिहड़ा कि असी एक एकड़ ते इहदा स्प्रे करांगे। 1 किलो का यह पैकेट है। तो नाल असी जनाब जाफर एग्रोस की टैकामिन मैक्स यूज करांगे अमाइनो एसिड वास्ते। ये असी 2 किलियां ते एक बॉटल जिहड़ी है यूज़ करांगे, टैकामिन मैक्स की 2 किलियां ते एक बोतल इस्तेमाल करांगे। तो जिहड़ी स्पीड फोल के है ये असी करांगे इस्तेमाल जी 1 किले ते एक पैकेट। साडी फसल माशाल्लाह हो चुकी है जी इस टाइम 100 दिन की। इहदे विच सिट्टा जिहड़ा है अजे यह बोर तुहानू नज़र आ रहा होवेगा, मैं थोड़ा जूम करके तुहानू विखा दिंदा। यह तुहानू नज़र आ रहा होवेगा बोर इहदे ते, तुहानू इहदे ते यह बोर लगा नज़र आ रहा होवेगा। तो आखते हैं कि जी बोर विच नहीं करनी चाहिए स्प्रे, लेकिन असी कोशिश करांगे कि जितना सेफ असी स्प्रे कर सकिए उतना असी सेफ करिए स्प्रे। तो स्प्रे करन वास्ते जिहड़ा तरीका असी इस्तेमाल करांगे वह भी तुहानू दस्सांगे किहड़े तरीके नाल असी स्प्रे जिहड़ी है ना उन असी करांगे ताकि फसल का नुकसान घट तो घट होवे। क्योंकि जहरी गल है जो बंदा फसल दे विच टुरदा है तो उहदी वजह नाल जिहड़ी फसल है वह त्रुटदी है। तो हुण दी लगी हुई फसल जिहड़ी है हुण जिस कंडीशन ते है ये जिहड़ी टुट गई ये दोबारा नहीं रलनी, वह खत्म हो जानी है। लिहाजा वह भी तुहानूं तरीका असीं दस्सदे हां कि किस तरह असीं वह तरीका इस्तेमाल करांगे। तो फिलहाल स्प्रे असीं हुण मिलाउण लगे हाँ, तो उस तों बाद तुहानूं वह तरीका भी विखाने हां। बाकी रही जी गल स्पीड फोल के सन मिली है जी 1950 रुपये की, एक पैकेट 1 किलो का 1950 रुपये का 1 किलो का पैकेट मिले सन। ये टैकामिन मैक्स भी सन तकरीबन 2000 रुपये तक मिली है, टैकामिन मैक्स जी भी सन 2000 रुपये की, तो वह भी तकरीबन 1900 1950 की मिली है। मतलब हुण मैं तो दाने की कंडीशन विखा दिना कि फिलहाल ये दाना कितने उसकी बुराई हो चुकी है, वह भी तुहानू कंडीशन विखा दें। इतों को लैने जी विचों जी सिट्टा असी लै लिया विचों, जी असी सिट्टा लै लिया विचों। तो ये हुण मैं तुहानू विखाना ये कितनी बुराई हो चुकी है सिट्टे दे विच, दाना कितना भर चुकिया है। तो जी दाने की यह कंडीशन है, यह वेखो जी इतना जिहड़ा दाना है साडा वह बन चुकिया है, इतना वेख रहे तुसी तकरीबन अजे बराई दी जिहड़ी है वह मुकम्मल होने वाली है। इस स्टेज पर जिहड़ी स्प्रे अजे दे विच तुसी वेख रहे हो कि दुध निकल रहा, इस स्टेज उत्ते जिहड़ी स्प्रे असी मारांगे उहदा इंशाअल्लाह यकीनन गल है कि दाने की बुराई दे विच बड़ा असर अमल दाखल होवेगा। क्योंकि दाने की बुराई अजे होनी है उसकी वजह नाल यह बहुत फायदेमंद साबित होवेगी। बाकी तुहानूं मैं सिट्टा भी विखा दिना कि गंदम का सिट्टा माशाल्लाह कितना है। विचों कोई सिट्टे जिहड़े तुहानूं मैं विखा रहा यह वेख लो जी, यह वेख सकते हो तुसी जिहदे ते मेरा हत्थ है, यह वेख लो मैं फोकस करदा
यह सिट्टा वेख सकते हो तुसी, माशाल्लाह इहदी भराई भी अच्छी हो रही है ते मजीद इहदे ते स्प्रे जिस टाइम वार गया उस तो बाद इहदी कंडीशन जिहड़ी है होर अच्छी हो जाएगी।